तो गाइस अगर आप भी अपने इंस्टाग्राम के दूसरी आईडी को डिलीट करना चाहते हैं वो जो नहीं कर पा रहे हैं तो कैसे करना है अपने इंस्टाग्राम के दूसरी आईडी। अगर आप हमने इंस्टाग्राम में दो आईडी बनाए फ्रेंड्स और एक आईडी को डिलीट करना चाहते हैं तो उस आईडी को कैसे डिलीट करना है वही आज की इस वीडियो में बताने वाला है। तो चलिए कैसे दूसरी आईडी को डिलीट करते हैं तो चलिए बताते हैं वीडियो के स्क्रीन पे पूरे डिटेल में। तो गाइस अब आपको यहां से अपने फ़ोन में इंस्टाग्राम की दूसरी आईडी डिलीट करने के लिए आपको सबसे पहले आपको यहां से अपने फ़ोन में इंस्टाग्राम अकाउंट को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद फ्रेंड्स अब यहां से देख सकते हैं आपके सामने इंस्टाग्राम ओपन हो चुका। अब आपको यहां से प्रोफाइल पे मैं यहां से क्लिक करता हूं। ये अकाउंट को मैं डिलीट नहीं करना चाहता तो मैं अपने ये दूसरे अकाउंट को डिलीट करना चाहता हूं। तो पहले इस अकाउंट को मैं लॉगिन कर लेता हूं। लॉगिन करने के बाद फ्रेंड्स अब इस अकाउंट को डिलीट करने के लिए फ्रेंड्स आपको क्या करना होगा, इस अकाउंट को डिलीट करने के लिए परमानेंटली तो आपको थ्री लाइन पर क्लिक करना है। थ्री लाइन पर क्लिक करने के बाद आपको सेटिंग एंड प्राइवेसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको अकाउंट सेंटर का एक ऑप्शन खुल के आ रहा फर्स्ट में ही, अकाउंट सेंटर वाले ऑप्शन पे आपको कर देना है क्लिक। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद देख सकते हैं आ चुका है। अब फ्रेंड्स आपको यहां से क्या करना होगा, आपको पर्सनल डिटेल्स वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। देख सकते हैं कि आपको एक पर्सनल डिटेल्स का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं फिर से कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आ चुका है। तो अब आपको यहां से नीचे के साइड में अकाउंट ओनरशिप्स एंड कंट्रोल वाला ऑप्शन दिख रहा है, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स अब यहां से डीएक्टिव और डिलीशन का एक ऑप्शन आ रहा है तो आपको यहां से उस पर क्लिक कर देना है। डीएक्टिव और डिलीशन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको इंस्टाग्राम अकाउंट आ रहा है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आप यहां से देख सकते हैं दो ऑप्शन खुल के आ रहा है फ्रेंड्स, आपको एक डीएक्टिव अकाउंट और एक डिलीट अकाउंट। तो आपको डिलीट अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहां से डिलीट अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आप अपने अकाउंट को डीएक्टिव कर सकते हैं, अगर यहां से आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो डिलीट करना चाहते हैं हम अपने अकाउंट को तो डिलीट वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहां से कोई सा भी एक रीजन को सेलेक्ट कर लेना कि किस कारण से आप अपने आईडी को डिलीट कर रहे हैं, तो वो सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब फ्रेंड्स आपको यहां से अपना इंस्टाग्राम का पासवर्ड डाल देना है जो आपने अपने इंस्टाग्राम का पासवर्ड रखा है। तो चलिए हम यहां से अपना इंस्टाग्राम का पासवर्ड पहले पेस्ट कर देते हैं। अगर आप अपने इंस्टाग्राम का पासवर्ड भूल गए हैं तो आप यहां से फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं। अगर जो उसे कैसे पता करते हैं इंस्टाग्राम का पासवर्ड तो उस पर मैंने एक वीडियो बना दिया, जाके देख लेना। तो चलिए हम यहां से अपना इंस्टाग्राम का पासवर्ड को पहले पेस्ट कर देते हैं यहां पे। पासवर्ड पेस्ट कर देने के बाद फ्रेंड्स आप यहां से देख सकते हैं मैंने यहां से अपना पासवर्ड को पेस्ट कर दिया। अब आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स अब यहां से देख सकते हैं आपको कन्फर्म परमानेंटली अकाउंट डिलीट, आपको यहां से कन्फर्म अकाउंट है जो डिलीट हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आपको डिलीट अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, ये आपका अकाउंट जो है डिलीट हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स हमें यहां से अपना आईडी को डिलीट नहीं कर रहा हूं तो फ्रेंड्स अगर जी आपने अकाउंट को जो डिलीट किया, अगर जी आप उसे फिर से रीएक्टिव करना चाहते हैं तो आप 30 दिनों के अंदर ही उसे रीएक्टिव कर सकते हैं। नहीं तो फ्रेंड्स आपका जो 30 दिनों के बाद आपका अकाउंट पूरे तरह से परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। तो ये था सिंपल सा तरीका फ्रेंड्स। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।